गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम आपका करंट अफेयर्स लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, जो आपके पिछले एक दो हफ्ते से जो लेक्चर नहीं हो पाया है ड्यू टू दिस लॉकडाउन, उसको करेंगे। करंट अफेयर्स लेक्चर 1, पहले हम बात करेंगे अर्थ। पहला आज का हमारा टॉपिक है अर्थ। जो अर्थ आर है वो मनाया गया, हाँ, जैसे हम क्लास में नोट कर दें वैसे यहाँ पे भी आप अपनी नोटबुक में वीडियो पॉज करके नोट कर दे जाइए। ओके, द अर्थ आवर वॉज ऑब्जर्व ऑन 28 मार्च 2020। ओके, 28 मार्च 2020 को अर्थ आवर मनाया गया। ओके, तो जो मार्च महीने का जो आखिरी रविवार होता सॉरी, आखिरी जो शनिवार होता है, द लास्ट सैटरडे, ओके, तो तभी अर्थ आवर मनाया जाता है। एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च ये मनाया जाता है। ओके, और इस ईयर ये फॉल कर रहा था 28 मार्च को। ओके, अर्थ आर इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इनिशिएटिव। ओके, WWF का इनिशिएटिव है, तो आपको इस एजेंसी का नाम याद रखना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और ये स्टार्ट कब से किया गया था, दिस इज एन एनुअल इनिशिएटिव, 2007 में इस ट्रेडिशन को स्टार्ट किया गया। ओके, क्या काम करता है, इट एनकरेजेस पीपल फ्रॉम मोर देन 180 कंट्रीज टू स्विच ऑफ द लाइट्स फ्रॉम 8:30 PM टू 9:30 PM एज पर देयर लोकल टाइम। ओके, रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे 1 घंटे आपको आपके घर की जो बिजली है, ओके, जो अननेसेसरी लाइट है, वो आपको क्या करना है, बंद करना है। ओके, ताकि आप एनर्जी सेविंग के लिए लोगों को अवेयर कर सको। द आइडिया इज टू रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ नॉन एसेंशियल लाइटिंग टू सेव एनर्जी। ओके, नॉन एसेंशियल लाइटिंग टू सेव एनर्जी, जो जरूरी नहीं है उस बिजली को हमको कम यूज करना है या तो यूज नहीं करना है, तो उसके लिए, अवेयरनेस के लिए ये बनाया जाता है, इज अ सिंपल कॉल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, अर्थ आवर हैज बिकम अ कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग मेजर लेजिस्लेटिव चेंजेस बाई हार्नेसिंग द पावर ऑफ द पीपल एंड कलेक्टिव एक्शंस। एग्जाम्पल इट हेल्प, और यहाँ पे कुछ आपको आंकड़े दिए गए हैं कि जो अर्जेंटीना है उसमें कितना 3.5 मिलियन हेक्टर का मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने में काम आया है जो अर्थ आवर है। ओके, अर्जेंटीना बैन ऑल प्लास्टिक इन गालापागोस, प्लांट 17 मिलियन ट्रीज इन कजाकिस्तान। ओके, सोलर पावर इंडिया, सोलर पावर की जो इंडिया में जो मूवमेंट चल रही है उसमें। ओके, सो जस्ट नीड टू कीप दिस इन, डेट खास याद रखनी है 28 मार्च, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। नाउ व्हाट इज WWF, सो WWF, ओके, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ओके, इट्स वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एस्टैब्लिश हुआ था ये 1961 में, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ओके, हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इट्स मिशन इज टू कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस प्रेसिंग थ्रेट्स टू डिलीवरी ऑफ लाइफ ऑन। WWF कोलैबोरेट्स एट एवरी लेवल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू डेवलप एंड डिलीवर इनोवेटिव सॉल्यूशंस दैट प्रोटेक्ट कम्युनिटीज, वाइल्ड लाइफ एंड द अदर places in which they live. Okay, so basic जो ground level पे काम करेगा environment conservation के लिए, okay, और उस conservation के awareness के लिए WWF करेगा, okay, and ये तो है कि आपका अवतार मनाया जाता है every last Saturday of the month of March. Okay, so just need to keep this in mind. Okay, now the second is very important topic for us, that is FRBM Act. Okay, और FRBM Act में क्या flexibility government ने खुद को खुद के लिए प्रोवाइड करवाई है, तो वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, चलिए, वेल, FRBM एक्ट क्या है वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए, FRBM एक्ट है, पहले तो इट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, मैं क्लास में पूरा डिटेल में ये चीज़ पढ़ा था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ओके, हमने देखा था कि भाई जब बजट में काफ़ी काफ़ी बड़े वादे किए जाते हैं, ओके, बट जब ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं होता,
कि हमने बेंगलोर मेट्रो की बात की थी, बेंगलोर बुलेट ट्रेन की बात की थी, कि जो महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट के आने के बाद बुलेट ट्रेन का जो काम है वो रुक दिया गया है। ओके, तो अब तक जो काम में पैसा खर्च हो वो इज द रिस्पॉन्सिबल बजट, जो ली जा चुकी है उसका पैसा कौन पे करेगा, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें अब तक ग्राउंड लेवल पर तय नहीं हो पाई है। ठीक है, प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, कौन सी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें इंडियन मैनेजमेंट करने के लिए एक्ट लाया गया था इन द ईयर ऑफ 2003। ओके, सो एफआरबीएम एक्ट वाज एनेक्टेड इन अगस्त 2003। इट एम्स टू मेक सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना था किसके लिए, फॉर एंश्योरिंग इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, हमने बात की जितना फिस्कल डेफिसिट है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने लिमिट डिसाइड कर ली थी अंडर द एफआरबीएम एक्ट। ओके, एक्ट इज द सेटिंग ऑफ लिमिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेब्ट एंड डेफिसिट। ओके, हमने जो पूरा एक नोट जो फ्लो चार्ट बनाया था, जस्ट ओपन दैट एंड यू कैन रिवाइज योर द नंबर्स। ओके, दैट कौन से नंबर्स में हमने एफआरबीएम एक्ट को लागू किया है। ओके, इट लिमिटेड द फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी। 2019-20 में हमारा जो जीडीपी था वो 3% तक होना चाहिए था। ओके, टू एंश्योर दैट द स्टेट्स टू आर फाइनेंशियली प्रूडेंट, वेल्थ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड लिंक्ड डेट रिलीफ टू स्टेट्स विद एनेक्टमेंट ऑफ सिमिलर लॉ। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए जो आंकड़े हमने लिखे थे वही मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ओके, 2016 में, ओके 2016 में एक एनके सिंह कमेटी बनाई गई है। एनके सिंह कौन है, हमारे 15th फिनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ओके, तो उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने विच इज नोन एज एफआरबीएम रिव्यू कमेटी। ओके, नाम से उन्होंने जो रिवाइज फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े दिए उसमें क्या किया गया, तो जो 3% का फिस्कल डेफिसिट था, ओके, उसको मार्च 31, 2020 तक कितना करने का गोल था, 2.8%। ओके, 2020-21 का जो फिस्कल ईयर है उसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, व्हाट इज द गोल सेटअप, 2.8%, and it should be reduced to 2.5% by 2023. Okay, but now that we have known that we have the already economic slowdown chal raha tha, jo detail mein humne class mein discuss kiya tha, uske upar se COVID-19 situation hai, jo uske economy pe kafi negative asar pad raha hai. Okay, to uske wajah se government ne kya kiya hai, jo escape clause hai usko use kiya hai. Okay, escape clause kya hai, agar government kisi रीजन की वजह से अपने जो टारगेट्स है उसको पूरा नहीं करवा दिया, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दिस एस्केप क्लॉज, गवर्नमेंट विल टेक द हेल्प ऑफ दिस। क्या है वो एस्केप क्लॉज, तो मान लीजिए अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी या वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो, नेशनल कैलेमिटी की सिचुएशन हो, कॉलेप्स ऑफ एग्रीकल्चर की सिचुएशन हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, जैसे GST बंदी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, ओके, तो ऐसी ही सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट को अपने बजट से पैसा निकाल कर इन चीज़ों के पीछे पीछे डालना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट टारगेट एंड दैट्स व्हेन गवर्नमेंट विल अप्लाई दिस एस्केप क्लॉज, इनेक्ट दिस एस्केप क्लॉज। तो इस बार भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वी विल यूज द एस्केप क्लॉज, और मार्च का जो का फेब्रुआरी का बजट उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपना एस्केप क्लॉज को 2021 यूज कर लिया है। ओके, जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसका जो इंडिया पे इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन काफ़ी नीचे जा रहा था। ओके, और गवर्नमेंट का जो टैक्स कट था, कॉर्पोरेट टैक्स कट था, उसको गवर्नमेंट ने किस में काउंट किया था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ओके, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने जो अपने जो टारगेट्स थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लॉकडाउन को
could cause a severe contraction on economic output. COVID-19 pandemic could be considered as a national calamity. तो गवर्नमेंट अगेन जो अपने टारगेट है उसको थोड़ा पीछे कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट को काफी सारा पैसा नेशनल COVID-19 को कंसीडर किया एज अ नेशनल कैलेमिटी और उसमें काफी ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ रहा है. अब देखिए ऑल्सो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी मेड द यूज ऑफ एस्केप क्लॉज दिस ईयर. जो मैंने बताया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स जो घटाकर कम किया गया था इन द बजट तो उसको बिना गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ओके जो मैंने आपको यहाँ पे ओके ड्यूरिंग द बजट 2021 प्रिपरेशन द रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स वर साइटेड एज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दैट ट्रिगर्ड द एस्केप क्लॉज. Okay, this implies that the government has already made use of the escape clause. Okay, तो जो 2019-20 का जो हमारा fiscal deficit था, okay, वो targeted कितना था 3.3%, but उसको government ने revise करके कितना कर दिया है 3.8%. तो अगर आप 3.8% अगर अपना fiscal deficit होगा तो that will be fine. Okay. 2020-21 के लिए जो अपना टारगेटेड डेफिसिट था वो कितना था ओके तो उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कितना कर दिया है 3.5% आने वाले बजट में इसको बढ़ा के और 3.5% कर दिया जाए ओके क्योंकि COVID-19 की सिचुएशन जो है वो बजट आने के बाद खड़ी हुई है तो अभी उसको काउंट किया गया है तो दैट्स बी नेक्स्ट मीनवाइल बिफोर नेक्स्ट बजट ओके. और आगे और एक बार ये फिस्कल डेफिसिट को रिव्यू किया गया था 2008-09 में जब यूएसए का ग्लोबल स्लोडाउन था तब जो हमारा बजट है 2.7 का जो फिस्कल डेफिसिट था उसको बढ़ाकर वो कहाँ तक पहुँच गया था अपना फिस्कल डेफिसिट 6.2% था क्योंकि तब ग्लोबल स्लोडाउन था. सो दैट्स व्हाई दिस वाज द केस ओके. सो ये आपको याद रखना है. अब ये न्यूज अब हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि केरला ने अपना जो कोटा है फ्लेक्सिबिलिटी का उसमें थोड़ा कॉम्पनसेशन मांगा उसमें थोड़ा एक्सटेंशन मांगा है. क्यों क्योंकि अंडर दिस FRBM एक्ट केरला कैन बोरो 25,000 करोड़ ओके. अब उसको उसमें ऑलरेडी ये COVID-19 की वजह से जो रिलीफ पैकेज था उसको 20,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है ओके. उसको और ज्यादा 12,500 करोड़ रुपीज की जरूरत है ओके. तो ये जो ज्यादा जो की जरूरत पड़ेगी उसके पहले उसको सेंटर से परमिशन लेने पड़ेगी. सेंटर नीड्स टू अमेंड दिस FRBM एक्ट टू मेक द प्रोविजन फॉर केरला ओके. सो जो बोरोइंग कैप है वो सेंटर को बढ़ानी पड़ेगी. लेट्स सी कि अब आगे हम देखना दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन क्या डिसीजन इसके ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर FRBM एक्ट. यू जस्ट नीड टू remember this FRBM Act thoroughly, okay? It can directly ask in your economic section as well and in your current affairs section as well, okay? चलिए next topic है आपका red flag exercise, okay? तो ये red flag जो exercise है that is hosted by USA, okay? That is conducted by USA with multiple nations, okay? Most probably उसमें Asia Pacific वाले almost सारे nations है जिसके साथ USA के friendly relation. Due to this COVID-19 outbreak, USA has cancelled US Air Force की exercise. Okay, पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो US Air Force has cancelled the phase 1 of red flag. Okay, phase 1 of it is a Pacific Air Force's sponsored exercise meant to provide realistic training in a simulated combat environment over the joint Pacific Alaska Range Complex. Okay, Alaska पैसिफिक रीजन है वहाँ एक्सरसाइज यूजुअली होती है ओके. एंड इट इज अ मल्टीलेटरल यूएसए फ्लैगशिप मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो यूएसए के फ्रेंडली नेशन से उनके साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट कब होने वाली थी ओके. तो ये दिस वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 30 अप्रैल टू 15 मई 2020. 15 दिनों की एक्सरसाइज रहेगी ओके. बट ड्यू टू द ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन ओके सारे कंट्रीज के आपको पता है एविएशन सेक्टर अभी बंद पड़े होते हैं. फ्लाइट एक नहीं जा रही है कोई कंट्री अलाउ नहीं कर रही है किसी और कंट्री को अपने देश में आने के लिए ओके. दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू
conduct this exercise, okay, so that's why it is cancelled, okay, postponed नहीं हुई, cancelled भी हो चुकी है, क्योंकि need है जब कुछ दिनों के बाद इसने अनाउंस की या हो सकता है कि इस साल के भी एक्सरसाइज ना हो, तो कैंसल का मतलब है कि ये नहीं हो, पोस्टपोन का मतलब है उसको कुछ दिनों के लिए, ओके, इनफाइनाइटली उसको या किसी फाइनाइट डेट के लिए उसको पोस्टपोन कर, वर्ड्स के डिफरेंस में आपको ध्यान रखना है अगर आपको एग्जाम में सीधा सीधा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके. इंडियन एयरफोर्स भी इसमें हिस्सा लेने वाली थी. इंडियन एयरफोर्स ने इसमें हिस्सा लेना कब से स्टार्ट किया था? फ्रॉम 2008, ओके, एंड दिस इज अ बाईएनुअल एक्सरसाइज. अब इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि हर दो साल में जो ये एक्सरसाइज होती है उसमें हर बार पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है, ओके, तो अपने पास इतना पैसा नहीं है कि हर बार इसमें हम पार्ट ले सकें. इंडिया के पास जब बजट में एयरफोर्स के पास पैसा होगा तब इंडिया इस एक्सरसाइज में पार्ट लेगा. 2020 एक्सरसाइज में वी आर अबाउट टू टेक द पार्ट, बट नाउ दैट इज इट इज कैंसल्ड, ओके, हम इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ओके. अब एक अभी एक खास चीज़ आपको याद रखनी है कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिकल जो स्लोडाउन खड़ा हुआ है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं ऑन दी एनवायरमेंट, ओके. गवर्नमेंट में दिखा हो रहा है ऑलमोस्ट 99% व्हीकल्स आर नाउ ऑफ द रोड, ओके, रोड्स भी नहीं है और अपने अपने के पार्किंग में नहीं चल रही है, गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं, ओके, पर्सनल व्हीकल्स नहीं चल रहे हाई है, क्या हो रहा है जो एयर क्वालिटी गवर्नमेंट इतने सालों से ट्राई कर रही है टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, ऑटोमेटिकली ये 21 दिनों के लॉकडाउन की वजह से धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, ओके. तो ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन टू प्रिवेंट COVID-19, ओके, हैज लेट द मिनिमल एयर पॉल्यूशन इन ओवर द 90 सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, ओके. दिल्ली में जित पिछले 20-30 सालों में पॉल्यूशन कम नहीं हुआ था, लॉकडाउन की वजह से वो पॉल्यूशन कम हो गया है, ओके. एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने ये लॉकडाउन वाला जो टाइम है उसको वेलकम किया है और ये कहा है कि गवर्नमेंट को आगे भी सोचना चाहिए कि अलार्मिंग सिचुएशन आप लोगों ने कितना पॉल्यूशन फैला के रखा था और उसको अपने को कम करने की जरूरत है. इफ वी डिसाइड सो वी कैन वर्क टूवर्ड्स दिस, वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द पॉल्यूशन, ओके. सो इसमें बेसिकली अपने को ये चीज़ याद रखनी हो कि ये जो अपना जो हाउ गवर्नमेंट इज मेजरिंग द एयर पोल्यूशन, ओके, तो उसके लिए एक सिस्टम गवर्नमेंट ने डेवलप किया है विच इज सफर, एज सफर. That is the full name is System of Air Quality and Weather Forecasting and Research. Okay, System of Air Quality and Weather Forecasting. System of Air Quality and Weather Forecasting Research. The measures against COVID-19 and drop in. Okay, so ये center run system है जो air pollution को measure करता है. Okay, now हमने काफी detail में ये class में discussion किया था, मैं आपको यहाँ पे वापस डिटेल में बता दे रहा हूँ, ओके. तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में लॉन्च किया था, ओके. और जो हमारे पिछली बार का जो पॉल्यूटेड सिटीज का जो इंडेक्स था उसमें 14 सिटीज आउट ऑफ 20 सिटीज इन इंडिया, इसके लिए 2019 में गवर्नमेंट ने, ओके, जनवरी 2019 में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था विच इज NCP नेशनल क्लीन प्रोग्राम, NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई आपने 2024 तक अपने को परमानेंटली जो पार्टिकुलेट मटेरियल से उनका जो उनको कम करना है बाय 20-30%. तो उसके लिए NCAP लाया गया था, उसके लिए सारी जो लोकल बॉडीज है सिटीज की वो काम कर रही है, ओके. इसमें क्या क्या जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पूरे देश में एक जैसा होगा, तो उसमें कौन से पॉल्यूटेंट्स है उनको मेजर किया जाता है वो हम स्लाइड में देखेंगे, ओके. तो पहले उसमें मेजर किया जाता है PM2.5, ओके. नाउ व्हाट इज PM2.5? सो इट इज एन एटमोस्फेयरिक पार्टिकुलेट मटीरियल ऑफ डायामीटर
ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, जो अपने बाल से भी छोटा होता है, ह्यूमन हेयर है उससे भी इट इज ऑलमोस्ट 3% ऑफ द ह्यूमन हेयर. तो कितना छोटा पॉल्यूटेंट होगा दैट यू कैन इमेजिन. ओके, सो उसको हम मेजर करते हैं. ओके, PM2.5 पॉल्यूटेंट है. ओके, तो उसका जो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट है वो काफी वर्स्ट है. ओके, इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ एन आई. ओके, और ये इंसुलिन सेक्रेशन जो है, ओके, तो उस पर असर करेगा. ओके, तो जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको PM2.5 से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. अगर PM2.5 इंसुलिन सेक्रेशन, ओके, तो सुपरएक्सपेंशन ऑफ PM2.5 इज वेरी नेसेसरी. नाउ द सेकंड सच पोल्यूटेंट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, NO. ओके, इट कैन बी NO और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज. ओके, तो NO2 caused due to high motor vehicle traffic and can increase the risk of respiratory conditions. So, इसको हम मेजर करते हैं. Okay? Now, this is the air quality index in India. Okay? कि कहाँ कितना air quality index होगा तो हमको वो अच्छा है. Okay? So, if your air quality index is 0 to 50, okay, then it is good. And this is the best air quality index. Okay, अगर आपका जो air quality index is between 0 to 50, then you are breathing best air. So, अभी इंडिया के almost सारे शहर में जो air quality index है जो वो lockdown की वजह से कितना है 0 to 50 के नीचे है, even in Delhi and Mumbai. Okay, जो काफी बड़े polluted शहर है वहां पे भी आपका air quality index 50 से नीचे है. Okay, minimal event. तो उन पे color code दिया गया, which is in every corner of the country. Okay, अगर इलेवन से 51 से 100 अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स इज सेटिस्फैक्टरी, 301 से 300 तो वेरी पुअर एंड 401 से 500 तो सीवियर. जब मनाली के टाइम के दिल्ली में जो पटाखों की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से ऊपर चला गया था. हेल्थ इमरजेंसी लागू, अगर आपको याद हो हमने क्लास में ये डिस्कशन किया. ओके, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस नंबर्स. ओके, यहां पे पॉसिबल हेल्थ इंपैक्ट्स इन कलर कोड दिए हुए हैं. ओके, नाउ अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स. ओके, बताया कि ये लॉन्च किया गया था 2014. दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन 2014. ओके, और इसमें टोटल 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स जो है, ओके, उनको मेजर किया जाता है. तो पहला है आपका ग्राउंड लेवल ओजोन, ओके, दैट इज O3. ओके, ओजोन को मेजर किया जाता है. ओजोन क्या है, अपने ओजोन जो ह्यूमन बॉडी है उनको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाएगा. ओके, तो धीरे धीरे ओजोन डेप्लीशन हो रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी डेंजर होता जा रहा है. ओके, तो दैट्स वाई मेजर करना ज़रूरी है. देन है आपका PM10, पार्टिकुलेट मटेरियल 10, पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड CO. ओके, CO अगर आपके दिमाग में आपका जाएगा तो वो काफ़ी टॉक्सिक गैस है. ओके, एंड इट इफेक्ट आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा. ओके, में जो ट्रेजेडी हुई थी इन द कोचिंग क्लास, दैट इज ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, दैट इज SO2. द नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द नेक्स्ट इज एमोनिया एंड लेड. ओके, सो ये 8 जो आपके पॉल्यूटेंट पर किया जाएगा और उसके बेस पे एनालाइज करके आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो निकाला जाएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव गोंड ट्राइबल्स एंड कोविड. ओके, तो ये जो गोंड ट्राइब है वो COVID-19 से बचने के लिए, देखिए हमारे पास मास्क की कमी है, तो आप सोच सकते हो ट्राइब में रह रहे उनके पास मास्क नहीं होंगे. ड्यू टू दैट दे हैव मेक देयर ओन मास्क. ओके, मेकिंग मास्क विद मेडिसिनल लीव्स. ओके, उन्होंने जो जंगल के जो पत्ते होते हैं उसका यूज करके, मेडिसिनल लीव्स यूज करके अपने लिए मास्क बनाए हैं. ओके, फॉलोइंग ट्रेडिशनल वेज. ओके, इसमें ये हो सकता है कि आने वाले जब ग्लोबल वार्मिंग या ऐसी कोई समस्या जब बढ़ जाए तो वी नीड टू
प्लेस टू कॉन्टेक्ट आप, याद रखना थोड़ी चीजें हम डिस्कस करेंगे वोनी ट्राइब्स के बारे में। ये जो आइडिया ने दिया है वो कि कौन सी ट्राइब ने दिया है, तो पन्ना मध्य प्रदेश के एरिया में, ओके, मध्य प्रदेश के पन्ना नाम के रीजियन में जो भोंड ट्राइब्स रहती है उन्होंने ये आइडिया दिया। यू कैन मेक ओन मेडिसिनल मास्क टू फाइट कोविड-19। ओके, अब ये जो भोंड ट्राइब है कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ओके, गोंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू फोर ट्राइब्स, राज गोंड्स, मडिया गोंड्स, धुरवे गोंड्स एंड कथुवार, चार सब सब कम्युनिटी। थोड़ी ज्यादा जानकारी यहाँ पे दी गई है जो मेन फूड्स डे टू डे लाइफ में जो टू काइंड्स ऑफ मिलेट दे ईट, मिलेट कौन सा है, कोड़ो एंड कुटकी। ओके, ऑन स्पेशल ओकेजंस दे ईट राइस। ओके, एंड दे मेजरली स्पीक गोंडी, ओके, व्हिच इज अ अनरिटन लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन फैमिली, एंड इट हैज बीन ऑलरेडी नोटिफाइड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। जो एसटी ने उनको ऑलरेडी जगह दे दी गई, तो एस टी के सर्टिफिकेशन के जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो सारे ट्राइब को मिलेंगे। ओके, सो यू जस्ट नीड टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज ऑल अबाउट गोंड ट्राइब। ओके, नेक्स्ट है आपका नेशनल ट्रस्ट। ओके, तो नेशनल ट्रस्ट देखिए पहले तो क्या काम करता है कि भारत के लोगों को जो अच्छा लिटरेचर है तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज में वो सबको प्रोवाइड करवाता है इन द एट दी अफोर्डेबल कॉस्ट। लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें जो रीजनल बाहर ना निकलने के लिए लोगों को कहा गया तो उसको फॉलो लोग करें, इसके लिए एनडीटी क्या करेगा, कोविड-19 के रिलेटेड एक स्टडी सीरीज निकालने वाला है ओके, और वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएगा ताकि लोग उसको पढ़ के उसके अपने कोरोना पेंडेमिक। ओके, सीरीज विल डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड रिलेवेंट रीडिंग मटेरियल्स फॉर ऑल एज ग्रुप द पोस्ट कोरोना रीडरशिप, फोकस ऑन आर्ट, लिटरेचर, फोक फॉर इकोनॉमिक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, साइंस, हेल्थ अवेयरनेस, इमर्जिंग आउट ऑफ द कोरोना पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन आर ऑल्सो बींग प्रिपेयर्ड। ओके, और एनबीटी ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया ताकि लोग घर से बाहर ना निकले, इनिशिएटिव का नाम है हैशटैग स्टे होम इंडिया विथ बुक्स, बुक पढ़िए बट घर से बाहर मत निकलिए, स्टे होम इंडिया विथ। ओके, द पीडीएफ ऑफ सम ऑफ द सिलेक्ट एंड बेस्ट सेलिंग प्रोवाइडेड फॉर फ्री डाउनलोड, दिस इज टू एनकरेज पीपल टू स्टे इन होम टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ओके, अब एनबीटी क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया वो क्या काम करती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, सो एनबीटी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के, ओके, MHRD के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर एनबीटी काम करेगी। Objectives of NBT are to produce and encourage the production of good literature in English, Hindi and other Indian languages. Okay, it makes such literature available at moderate prices to the public. Okay, जो affordable prices है उसके ऊपर इसको literature को करवा जाएगा। और क्या काम है उसका, तो के और काम है उसको के book catalog को निकालेंगे, arrange book fairs, exhibitions and seminars related to book and all necessary steps to make the people book-minded. Okay, book-minded society करने का initiative MBT का है। Okay, so you need to keep in mind, आपको जो hashtag stay home India with books ये आपको याद रखना है। Okay, now next is very important thing, that is PM CARES Fund.
ओके okay. अब सबको बताया गया पीएम केयर्स फंड को लॉन्च किया गया है ऑन 28 मार्च, ओके ना। व्हाट इज पीएम केयर्स फंड? तो पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ओके, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड। अब ये क्यों लॉन्च किया गया, ये फंड को क्यों सेटअप किया गया है? ओके, टू डील विथ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोज्ड बाय COVID-19 पेंडेमिक। COVID-19 से लड़ने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है, रिसर्च के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, मास्क के लिए, जो माइग्रेंट्स थे उनको फ्री फूड एंड शेल्टर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। ओके, जो इकोनॉमिक क्राइसिस और खड़ी हुई है उसके लिए वो, फॉर दैट गवर्नमेंट नीड्स मनी, और गवर्नमेंट अपने बजट से वो पैसा, ओके, अगर अपने बजट से पैसा निकालेगी तो देश के लिए चलेगा। ओके, तो दैट्स वाई पीएम फंड, एक पीएम ने एक फंड सेटअप किया है कि भाई लोगों को अर्ज किया गया है कि आप अपनी तरफ से जितना आपका कैपेसिटी हो, ओके, मिनिमम अमाउंट आप 1 रुपया 2 रुपया जितना भी आपका कैपेसिटी हो आप इस फंड में डालिए, उस पैसे का इस्तेमाल कोविड 19 से लड़ने के लिए गवर्नमेंट करेगी ताकि गवर्नमेंट से उतना बर्डन कम होगा। ओके, सो दैट्स वाई द फॉर दैट्स होल पर्पस ये फंड को सेटअप किया। कोविड 19 की लड़ाई खत्म होने के बाद भी ये फंड चालू रहेगा ताकि आने वाले सालों में कभी ऐसी नेचुरल कम्युनिटीज आए, ऐसा कोई बीमारी अगर आती है कि जो पूरे देश में फैलेगी और जिसके लिए गवर्नमेंट को काफी काफी खर्चा करना पड़े, तो उसके लिए इस फंड से पैसा निकाला जाएगा। फंड हैज बीन सेटअप ओइंग टू नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाई द पीपल टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ द कोविड 19 इमरजेंसी। ओके, लोग भी देखिए मदद करना चाहते हैं बट वो अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट ने फंड सेटअप कर दिया, पैसा डाल दिया, जो मदद पहुँचाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू पहुँचाएगी। ओके, अब इस फंड के बारे में ये आपको जीपीएससी खास 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 याद रखना है, पूछा जा सकता है। ओके, इट दिस फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक द्वारा चलाया जाने वाला, दिस इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। चेयरमैन कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन, और मेंबर्स कौन होंगे? अदर मेंबर्स इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर जो कि है राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह जी, एंड फिनेंस मिनिस्टर जो कि है निर्मला सीतारमन जी। इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ और 13 अलग अलग फील्ड्स के जो एक्सपर्ट है उनको भी इस फंड का मेंबर बनाया गया है। ओके, ताकि वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके कि जो आने वाला पैसा है वो कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। ओके, द फंड एनेबल्स माइक्रो डोनेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट विद द स्मॉलेस्ट ऑफ डिनोमिनेशन। सब जितना चाहे अपनी शक्ति के अनुसार पैसा इस फंड में ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हो। ओके, द फंड विल स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज एंड एनकरेज रिसर्च ऑन प्रोटेक्टिंग सिटी। तो इसका मेन फायदा, इसका जो मेन पैसा है वो लगाया जाएगा रिसर्च में। ओके, कि कैसे जल्दी की कोविड 19 में भी वैक्सीन ढूंढी जा सके, वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिया जा सके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसा गवर्नमेंट करेगी। ओके, अब ये जो पैसा है, ओके, तो कंपनी को भी ये बताया गया है कि आप अगर अपना पैसा पीएम केयर्स फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो तो देट विल बी काउंटेड एज योर सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना वॉट इज सी एस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो अंडर दी कंपनीज है, आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि अगर सूरत की बात हम करेंगे तो सूरत में सारी कंपनी को हजीरा में क्यों खोला गया है? ओके, तो कहीं सिटी के सेंटर में कंपनी को नहीं जगह दी, ठीक है, तो एक तो सिटी से दूर जब कंपनी को जमीन देनी हो तो वो सस्ती पड़ेगी। ओके, और जब गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुँच सकती तो गवर्नमेंट रिलाई ऑन दिस बिग बिग कंपनी फॉर्म एजेंसी। ओके, तो एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है कि जब गवर्नमेंट आपको इतनी सारी रियायतें दे रही है, इतनी सारी छूट दे रही है, योर इलेक्ट्रिसिटी, इन योर वाटर बिल, इन योर लैंड बिल, ओके, आपको ऐसी सेट प्रोवाइड करवा जा रहा था कि आपको कम टैक्स भरना पड़े, तो ये सारी जब छूट आपको दी जा रही है तो आपकी भी सोसाइटी की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि आप जो एनुअल आपका प्रॉफिट कर रहे हो उस प्रॉफिट में से मिनिमम 2% एटलीस्ट 2% पैसा आपको कहाँ डालना है? जहाँ आपकी कंपनी है उसके आसपास के रीजन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है,
जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस रीजन का होना चाहिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको स्कूल खुलवा के दे सकते हो, रास्ते बनवा के दे सकते हो, कम्युनिटी हॉल बनवा के दे सकते हो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड कर सकते हो, स्पोर्ट्स के लिए पैसा प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी जो आपकी टर्म्स है, ये सारा जो आप काम करोगे, दैट विल फॉल अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज नोन एज CSR, ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो पेंडेमिक वाली सिचुएशन खड़ी हुई है उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज क्लेरिफाइड दैट कंट्रीब्यूशंस बाय कंपनीज टुवर्ड्स द पीएम केयर्स फंड विल काउंट टुवर्ड्स मैंडेटरी CSR एक्सपेंडिचर। अगर मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड बड़ी कंपनी पीएम केयर्स फंड में अपना पैसा डालती है तो उसको फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर और कोई CSR एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, और कोई CSR एक्टिविटी में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ व्हाट इज CSR? ओके, सो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज विद अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, ओके, जिसका मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए हो, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो, या तो जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए हो पर ईयर, दे आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% okay, at least 2% of their average profit for the previous 3 years on CSR activities every year. Okay, पिछले 3 साल का average profit का at least 2% को हर साल कहाँ खर्च करना है CSR activities में, और सारी CSR activities में आपको बता चुका आगे। Okay, the term corporate social responsibility in general can be referred to as a corporate initiative to assess its responsibility for the company's effect on the environment and impact on social welfare. Okay, तो आप environment के लिए काम कर सकते हो या तो social welfare के लिए, जो अपना minimum 2% है वो आपको खर्च करना पड़ेगा, and you have to report that to government. Okay, कि भाई हमारा इतना profit है, उसका 2% हमने यहाँ पे खर्च किया। Okay, government every year will assess this. Okay, and this comes under the Ministry of Corporate Affairs. Okay, now लाइक पी एम केयर्स फंड, ओके, पी एम केयर्स फंड आपका सेटअप हुआ ऑन 28 मार्च 2020, ऐसा कोई फंड अवेलेबल था क्या कि जहाँ पे आप जाके सीधा पैसा जमा करवा सकते? आंसर इज येस। ओके, ऐसा एक दूसरा फंड ऑलरेडी अवेलेबल है, सिमिलर काइंड ऑफ फंड, विच इज प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, PMNRF, ओके, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ओके, और ये फंड सेटअप किया गया था इन 1948 बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और ये क्यों सेटअप किया गया? टू असिस्ट द डिस्प्लेस्ड पर्संस फ्रॉम पाकिस्तान। जब पार्टीशन की वजह से काफी सारे लोग अपना घर बार छोड़ के इंडिया में आ गए थे, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये फंड सेटअप किया गया था। ओके, अब देखिए, अब जो आए थे उनकी मदद तो हो चुकी है, बट फिर भी ये फंड अभी चल रहा है। क्यों? ताकि जो नेचुरल कैलेमिटीज की सिचुएशन में अगर कभी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़े तो वो इस फंड में से वो इस्तेमाल किया जाता है वो पैसा। ओके, द फंड इज करंटली यूज्ड प्राइमरीली टू टैकल नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक्स। ओके, द फंड इज ऑल्सो यूज हेल्प विद मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर ट्रीटमेंट एंड इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ से पैसा दिया जाता है। ओके, द फंड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डज नॉट गेट एनी बजेटरी सपोर्ट। ओके, आपको घुमा के ये सवाल पूछा जा सकता है, तो गवर्नमेंट अपने कोई पैसा यहाँ पे नहीं डालती है। इट एक्सेप्ट वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, एंड वॉट इज दी अदर बेनिफिट, कि अगर आप इसमें डोनेशन देते हो, ओके, सो कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड आर नोटिफाइड फॉर 100% डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960 के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। आप सीधा जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई मैंने इतना पैसा यहाँ पे डोनेशन दिया है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नाउ वी हैव टू सिमिलर काइंड ऑफ फंड्स, वन इज द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ओके, एंड अनदर वन इज प्राइम मिनिस्टर
PM CARES Fund, okay, that is Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, okay, तो ये आपको ध्यान रखना है. नाउ जो आरबीआई की वजह से जो रिलीफ पैकेज दिया गया ओके क्या है ओके सो ड्यू टू कोविड 19 आरबीआई ने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं ओके वो स्टेप्स क्या है ओके तो पहला है कि आपका रेपो रेट जो है वो 0.75% को से कट करके कितना कर दिया गया है 4.4% ओके पहले कितना था 5.15% था उसको घटा कर अब कितना कर दिया गया है 0.75% यू ऑलरेडी नो व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट ओके फॉर ऑल टर्म लोन नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट ओके फॉर ऑल टर्म लोन्स होम ऑटो पर्सनल एग्रीकल्चर रिटेल एंड क्रॉप लोन्स आउटस्टैंडिंग एज ऑफ मार्च 1 ओके लेंडर्स कैन ग्रांट अ मोरेटोरियम आई टेम्पररी होल्ड सो जो तो जो लॉकडाउन की वजह से काफी लोग जॉब्स पे नहीं जा रहे ओके तो हो सकता है कि काफी लोगों को इसमें इनकम की सैलरी ना मिले सैलरी नहीं मिली टू व्हीलर फोर व्हीलर या ऑटो लोन लिए जो एग्रीकल्चर पर्सनल लोन ली है पढ़ाई के लिए या शादी के लिए तो उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे चुका पाएंगे उनके पास इनकम ही नहीं है तो इंस्टॉलमेंट कैसे चुका पाएंगे आपको अगले 3 महीने तक एक एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाएगा देखिए आपको पता नहीं कि लॉकडाउन कितना चलने वाला है तो जब सिचुएशन अगर 40 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होता है सिचुएशन नॉर्मल होते होते ऑलमोस्ट 1 महीने चल जाएगा तो उसके गवर्नमेंट ने आरबीआई ने सारे को ये बोल दिया गया है भाई आपकी जो लोन आपने जिन को दिया है आने वाले 3 महीनों कब तक मार्च अप्रैल 3 महीनों के इंस्टॉलमेंट आप लोग किसी नहीं जो भरना चाहे दे कैन पे एज यूजुअल ओके कोई दिक्कत नहीं जो नहीं भर सकते उनको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ओके टेम्पररी होल्ड किया जाएगा वो आपको बैंक आपके अकाउंट पे लेबल भी नहीं करता है इन्होंने लेट EMI भरा है ओके ताकि आपको आने वाले टाइम में जब लोन की जरूरत पड़े तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो ओके अब इससे क्या होगा कि बैंक को 3 महीने बाद पैसे मिलते हैं आपको अगर आप चूज करते हो कि 3 महीने या 2 महीने बाद अपना पैसा भरना है तो यू जस्ट नीड टू पे एन इंटरेस्ट ऑन दैट एक्स्ट्रा पीरियड अब जितना एक्स्ट्रा पीरियड हो यू टू पे द इंटरेस्ट ओके आपको और कोई एक्स्ट्रा चार्ज बैंक को नहीं देना है ओके और आपका जो मैच्योरिटी डेट है मतलब जो लोन आपका जब खत्म हो रहा था उसको भी 3 महीने के लिए क्या कर दिया जाएगा बढ़ा दिया जाएगा ओके मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट मार्च 2021 में आपका अगर लोन खत्म हो रहा था लोन पे जो का जो टाइम था वो खत्म हो रहा था तो वो मार्च की जगह कहाँ पहुँच जाएगा मई 2021 पहुँच जाएगा ओके विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज बट अगर आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं एक इंस्टॉलमेंट लेट करूंगा यू नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ योर इंस्टॉलमेंट ओके तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है अब आपको मुझे बताना है कि ये जो ये द हिंदू का ही मैंने कटिंग उठा के यहाँ पे डाला है ये जो साहब है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ओके व्हाट इज दिस डेजिग्नेशन एंड हु इज ही ओके वो कौन है और उनका डेजिग्नेशन वो कौन सी डेजिग्नेशन पे गवर्नमेंट को सर्व करते हैं दैट यू नीड टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स ओके इसके अलावा आरबीआई लिक्विडिटी 3.74 लाख करोड़ की लिक्विडिटी के लिए कैश रिजर्व रेशियो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी ओके ऑल दिस टर्म्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर इकोनॉमिक्स लेक्चर ओके चलिए रेपो रेट कट कर दिया गया जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 75 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया है 75 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है 5.15 था उसको घटा के 0.75% घटा के उसको कितना कर दिया गया है 4.40% ओके नाउ रेपो रेट इज द रेट एट विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई फॉर अस लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स ओके आइडियली लो रेपो रेट शुड ट्रांसलेट इनटू लो कॉस्ट लोन्स
फॉर जनरल मासेस। ओके, नाउ रिवर्स रेपो रेट में क्या चेंजेस किए गए हैं, रिवर्स रेपो रेट को कट करके 0.9% घटा करके 19 बेसिस पॉइंट घटा करके कितना किया गया है, 4%। पहले वो था 4.9%, विच इज नाउ 4%। ओके, एंड रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास से मनी बोरो करेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आरबीआई को, दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मॉरेटोरियम पीरियड जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ है। आरबीआई हैज आल्सो आस्क्ड टू डिफर पेमेंट ऑफ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, योर ईएमआईज इन सिंपल टर्म्स। ओके, तो देखिए 31 मई तक सबको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ओके, नाउ अ मॉरेटोरियम इज नॉट अ लोन वेवर, आपको लोन माफ नहीं कर दिया गया, आपको इंस्टॉलमेंट माफ नहीं कर दिया गया है। ओके, उसको जस्ट पोस्टपोन कर दिया गया है। अ मॉरेटोरियम इज नॉट अ लोन वेवर एंड डज नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट पे आउट, बट इट प्रोवाइड्स स्ट्रेस्ड कस्टमर्स एक्स्ट्रा टाइम टू रीपे विदाउट देयर अकाउंट्स बीइंग लेबल नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और देयर क्रेडिट स्कोर बीइंग अफेक्टेड। ओके, तो आने वाले सालों में अगर मुझे लोन लेनी है तो भी, अगर मैं इस बार लोन डेट रीपे करता हूँ तो भी वो लेबल नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, चलिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। ओके,